मोहना, अरे ओ मोहना, मैं क्या कह रहा हूँ सुनाई नहीं देता? डबरू, आज तू ही मेरी भेड़ ले जा, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ना बाबा ना, कान पकड़ता हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं है? देख मोहना, ये रोज रोज का झमेला मेरे बस का नहीं है। तू तो यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता है और वहाँ पीछे तेरी माँ मुझे डांटती है। अरे वो तो झूठ फूंक हुई, उस दिन तुझे उसने भीतर बुलाकर पुए नहीं खिलाए थे? चल अच्छा, मैं भी तेज़ा चलता हूँ, चल रहने दे। तुझे याद नहीं, तेरी माँ ने तुझे जल्दी बुलाया, तू तो बांसुरी बजाने में मस्त हो गया है। तुझे याद है ना, पिछली बार इसी घाटी में मेरी दो भेड़ों को बाघ ने झपट लिया था। देख डबरू, आज मेरी एक नई धुन शादी है, सुनकर बताना कैसी है। अरे बाबा, मेरे तो कान पक गए हैं रोज यही धुन सुन सुन के, मैं तो चला। नौकरी भी कोई नौकरी है? हाँ, जो मानस को अपने घर भी ना आने जाने दे। महीने से ऊपर हो गया उसको गए हुए, अभी तक कोई खबर भी नहीं आई। ये नौकरी है जेरा जेरा। चिंता मत कर माँ, आ जाएंगे। रोजी रोजगार के लिए आदमी को क्या नहीं करना पड़ता। अरे लोग तो सात समंदर पार भी चले जाते हैं, तू तो बस खामा खाई। भगवान का शुक्र मनाती नहीं कि घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए कम से कम कोई जरिया तो हो गया। कहती तो तू ठीक है बहू। ए, क्या मोहना आ गया है? मोहना? अरे वो तो कोई और है। अब ये अपने मोहने को ही ले लो। अरे सुबह जाते वक्त उसको मैंने कितना समझाया कि आज तू जल्दी घर आ जाइयो, शायद आज उसको लड़की वाले देखने आएंगे, पर वो ढिंगर किसी की सुनता कहाँ है। मोहना मोहना मोहना, अरे हर वक्त क्यों कोसती रहती हो उसे, कुछ तो सोचा कर, बच्चा ही तो है। अरे कोसू नहीं तो क्या करूं, आज उसको कितना समझाया था कि तेरा आना बहुत जरूरी है, पर वो कमबख्त नहीं सुनता किसी की, पता नहीं कहां भटक रहा होगा। अरे कहीं नहीं भटक रहा होगा, तू तो बस चिंता ही करती रहती है। अरे बाबा, फिर इतना बोझ उठा लिया, तुमसे चला तो जाता नहीं है, ऊपर से इतना बोझ उठा लेते हो। दो, इसे मुझे दो। क्या करूं बेटा, ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा तू बता, तेरा भाई लक्ष्मण आशा से कब आ रहा है? लक्ष्मण कल? लक्ष्मण ने सारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। मैं तो कहता था ये लड़का जरूर कुछ करके दिखाएगा, भगवान उसे लंबी उम्र दे, सारा घर उसी ने संभाल रखा है। वो तो है। अच्छा तू बता, तू कहाँ घूम रहा है, भेड़े कहाँ गई तेरी? मैं अपने भाई के लिए एक नई धुन बना रहा था, और भेड़े मैंने डबरू के साथ घर भेज दी। मोना, अरे मोना कहाँ है? चाची वो कह रहा था कि थोड़ी देर में आएगा। अरे नाक पीटे, तुम्हें कितनी बार कहा कि उस नालायक को अपने साथ रखा कर। अरे तू तुम्हारे ये मगज में बात क्यों नहीं घुसती? हाँ चाची, चाची तुम तो खामखा मेरे ऊपर धमधमाती हो। चाची वो दामड़ भला किसी की सुनता है? हाँ हाँ मुझे पता, वो नहीं सुनता। अच्छा इन भेड़ों को अंदर कर दे सारी, ध्यान से करियो जरा। हेलो, आ गई महारानी। अरे कभी बखत का भी सोच लिया कर, है इतनी इतनी देर कहाँ रुक जाती है तू रोज, सब औरतें अपने अपने घर में आ चुकी है। मैं भी उन सबके साथ ही आ रही हूँ, कोई रास्ते में अकेली बैठी हंसी ठठा तो कर नहीं रही थी, पूरे दो कोस दूर है बावरी, हर वक्त बड़बड़ बड़बड़। छोटी यही बात तो प्यार से भी तो समझा सकती है, मगर दूसरे को भी तो प्यार की भाषा आनी चाहिए ना। हाँ हाँ, प्यार की भाषा तो यहाँ मुझे ही नहीं आती बस, है ना, तभी तो तेरा आदमी दर दर की खाक छानता फिरता है। अरे
वो कोई घर का काम कर भी सकता है? कितने दिन हो गए, सारी बाल टूटी पड़ी है। कितनी बार कहा कि उसकी मरम्मत करवा दे, पर वो मेरी सुनता कहाँ है? हा? अरे तुमसे तो अपना एक खसम नहीं संभालता, सारा दिन वो नशेबाजी करता है। रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। चुपचाप कड़वे घूंट पिए जा रही हूँ मैं। मुझे कोई दोष न दो, सब तुम्हारा ही किया धरा है। अच्छा, ये सब मेरा किया धरा है? अरे कमबख्त, मैं तो खुद अपनी किस्मत को रो रही हूँ। जब तुम्हें मालूम था तुम्हारा बेटा नशेबाज है, बैठकबाज है, फिर उसका ब्याह क्यों किया? क्यों मेरा जीवन बर्बाद किया? अरे ब्याह किया इसलिए कि शायद सुधर जाए ब्याह के बाद। अब वो नहीं सुधरा तो इसमें मेरा क्या दोष? अरे अगर औरत चाहे तो मर्द को अपनी उंगलियां पे निचा दे। हाँ छोड़ो, इस बात को ज्यादा तूल ना दो। यहाँ सब एक जैसे हैं। उस मोहना को देखो, दिन भर बांसुरी बजाने और भेड़े चराने के सिवा करता क्या है? वो भेड़े भी किसी और को देकर भाग जाता है। अरे इन सब बातों में मोहना को क्यों घसीट रही है? तू क्या अभी से चट्टान खिसकवाना चाहती है उससे? चट्टान खिसकाने के लिए कौन कहता है, पर कुछ तो करे ना वो भी। गोमू, तू उसको जितना सर चढ़ा सकती है ना चढ़ा ले, जितना उसको तू बिगाड़ना चाहती है बिगाड़ ले। आ गया तू धर्म कमा के, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अरे इतनी देर जंगल में अकेले घूमता है, क्या तुझे किसी जंगली जानवर से डर नहीं लगता? माँ मैं तो एक आदमी की मदद कर रहा था। अरे मेरे सपूत, क्या तुमने सबके माथे के दाग धोने का ठेका ले रखा है? अरे क्या सबकी बिगड़ी किस्मत का निस्तारा तू करेगा? हाँ मुझे क्यों दुखी करता है? आज मैं तेरी इस बांसुरी को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में डाल दूंगी। ओहो, अब छोड़ भी उसे, खुद ही तो उसे नेक नेति के किस्से सुनाती रहती है दिन रात। अब नेकी करना कब से बुरा हो गया दुनिया में? सुबह का गया हुआ अभी तो भूखा प्यासा लौटा है, एक गिलास पानी देने से तो गई और ऊपर से आते ही छोटी मोना और अम्मा को खाना परोस दे और खुद भी खा ले। चूड़ी खाएगा? खाएगा। माँ, माँ, माँ देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। माँ, अरे माँ तू सोगी क्या? अरे करम चले, मैं कैसे सो सकती हूँ जब तक तू घर नहीं आता। पहरेदारी कर रही हूँ तेरी कि तुझे घर की सुध आए। मेरी माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी दुलारी माँ, तेरा घर छोड़ के कहाँ जाएगा ये तुलसी? माँ वो लक्ष्मण नहीं आया क्या? मुझे किसी की कोई खबर नहीं, मुझे नहीं पता इस घर में क्या हो रहा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे उसने नौकरी चुनी, नौकरी के जी का जंजाल चुना। माँ अभी लक्ष्मण को गए हुए दिन नहीं कितने हुए हैं नौकरी पर। देख माँ, तुझे मेरे बड़े भाई पर नाज होना चाहिए, रियासत का मुलाजिम है वो, मुलाजिम पूरे गांव में शोर है। और देख माँ तू घबरा मत, तेरे जो तीनों बेटे हैं ना बड़े नेक हैं, पर ये जो तेरी बहू है ना बड़ी ढीठ है। हाँ ढीठ तो होगी ही, तेरी तरह हर रोज भांग का गोला नहीं ना खाती वो। अरे मेरे भांग का पौधा। अरे बकवास बंद कर और मेरी एक बात का जवाब दे, जो भेड़ों वाली बाल टूटी हुई है तू उसकी मरम्मत कब करवाएगा जब सारी भेड़े भाग जाएंगी? करा दूंगा मैं, करा दूंगा। देख माँ तू गुस्सा मत किया कर, गुस्सा करने से खून जल जाता है। माँ मुझे भूख लगी है, रोटी देना। अरे करम चले, मैं क्या यहाँ तेरे लिए रोटी लेके बैठी हूँ? अंदर जा, बहू तेरा इंतजार कर रही है। जाता हूँ माँ, जाता हूँ। माँ ये देख मैं तेरे लिए तोता लेके आया हूँ। मेरी नरेबू गदर, मेरी नरेबू गदर ला, खाना दे दे मुझे।
लो भोग लगाओ कलचनी माता। अरे खाले खाले मेरी गदन, शहनशाह के हाथ का खाना खाना किसी किसी के नसीबों में होता है। शहनशाह फूटी कौड़ी है जेब में। मैंने तो किस्सों में ही सुना था कि नोखू गद्दन को राजा संसार चंद का राजपाट बिल्कुल रास नहीं आता था। अरे वो लतिया देती थी कि मुझे नहीं चाहिए राजपाट। और सुन, मैं तो तुझे नोखू गद्दन समझ के ही लाया हूं। खा चुका मैं। सोऊंगा मैं। दिखा रहे हो हा? अरे डबरू सुबह का अपनी भेड़े लेके चला गया है और तू निकम्मा यहीं बैठा और तेरी भेड़े यहाँ खड़ी हैं। माँ मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों, आज के तेरी सगाई है? माँ लक्ष्मण भैया रियासत से आने वाले हैं ना, इसलिए मैं घर की छत पे बैठकर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा तू अपने भाई का छत पे बैठ के इंतजार करेगा? अरे तो ये तेरी भेड़े क्या भूखी मरेंगी? माँ मैंने दीपे को बोल दिया, वो हमारी भेड़े अपने साथ ले जाएगा। दीपे के तेरा बहनोई लगता है जो तेरी भेड़े भी ले जाएगा। तू चुप कर, बीच में मत बोल। बीच में मत बोल, माँ बांसुरी भी छीन लो इसकी। अरे बेटा, अच्छा ऐसा कर, तू अब चला जा, जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? हाँ जा मेरा बेटा। अच्छा भेड़ों का ध्यान रखियो। डबरू डबरू, तुझे पता है मेरा भाई रियासत से मिली कितनी रेसाई चीजें लाएगा? अच्छा तो ये बता, तूने क्या मंगाया? मैंने अपने लिए एक नई बांसुरी मंगाई है। अबे भोंदू, मंगाया भी तो क्या, जूते मंगाता, चप्पल मंगाता, लड्डू मंगाता, पेड़े मंगाता। अरे ये सारी चीजें तो मेरा भाई ऐसे ही ले आएगा। अच्छा तुझे याद है ना, मैंने अपनी दादी की तेरहवीं पे तुझे मिठाई खिलाई थी। दादो श्यामत बन,
परसों तूने चट्टान के पीछे में दो भेड़ों का दूध नहीं पिया था? और वो तेरे मेमने ने मेरी भेड़ों का भी तो दूध पिया था? अच्छा चल छोड़ यार, हिसाब बराबर हो गया। अच्छा तो तू ये बता, तेरा भाई तुलसु के लिए क्या लेकर आएगा? एक भंग का गोला। भंग का गोला। मंगलू, दारू के कितने पैसे हुए? दो आने। दो आने? साले, दारू के दाम बढ़ गए क्या? अरे तू काहे को फिकर करता है, तेरा यार है ना इल्मू, ये चाहे तो दारू का कारखाना खरीद के दे दे तुझे। हाँ। दारू खत्म हो गई। ऐसा? और मंगवा लेते हैं यार। ये रे, ये और लेकर आ जा। नाजर ले और दे दारू। ये लो। ये ले। अरे दबा के दारू पी। इल्मू के होते हुए दारू की कोई कमी नहीं। कुछ भी हो, सोच लिया है मैंने, लखपति बनना है मुझे। इल्मू, पैसा पास हो ना तो दारू भी मिलती है और इज्जत भी। अरे उसकी भी एक तरकीब है अपने पास। वो क्या? रियासत के महाराजा के पास चलते हैं, उसे कहेंगे अपना दारू का महकमा हमें सब कर देके। अरे एक ही पखवाड़े में रियासत के खजाने को लबालब कर देंगे हम दोनों। लबालब कर डालेंगे, लेकिन वो कैसे? उसकी भी एक तरकीब है। बता। अरे यार यहाँ नहीं, यहाँ ये सारे सुन ले। आ बाहर चलकर बताता हूँ। वाह चल लिया। चल बाहर। अरे यार अब बता क्या तरकीब थी। अरे यार दारू की भट्टियाँ लगाते हैं हम दोनों। अरे वो ढीले की, अरे कितनी भट्टियाँ चलती है उसकी? हाँ दो तीन बस। अरे हम 10 भट्टियां लगाएंगे यार। अरे फिर देखना तू पैसे की क्या रेल पेल होती है। लेकिन मेरे शेखली दोस्त, हाँ 10-10 भट्टियां लगाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? अरे यार तू क्यों फिक्र करता है, मैं बताता हूँ तुझे। चल बैठ इधर। चल बता क्या तरकीब। अरे यार तू फिकर काय को करता है। अरे तू रियासत के हवलदार का भाई होकर भी पैसे का रोनर होता रहता है बस। अरे तू कुछ पैसा उधार क्यों नहीं ले लेता लक्ष्मण से? अरे आखिर तेरा भाई है वो, और फिर धंधा करने की गरज से मांगेगा तो मना नहीं करेगा वो? यार तू बड़ी दूर की कोड़ी लेकर आया है। अच्छा ठीक है, आज लक्ष्मण घर आने वाला है, बात करके देखता हूँ। चरे खेनी पुणी माए चरे खेनी रही हो, चरे खेनी पुणी माए चरे खेनी रही हो, दया के भरे के कठोर माए चलियो जाननी माए, चरे खेनी पुणी माए चरे खेनी रही हो, दया के भरे के कठोर माए चलियो जाना नी माए चलियो जाना। तुलसी, ओ तुलसी। राम राम बुआ। राम राम। ओ तुलसी का बुआ? क्यों तुलसी से क्या काम पड़ गया तुझे, वो घर पे नहीं है। अरे बुआ वो लक्ष्मण रियासत जाते वक्त बोल कर गया था कि इस निकम्मे तुलसी का जरा ध्यान रखना, अरे इसीलिए तो मैं आता हूँ ना बुआ। तू तो बहुत नेक है ना जैसे। तू भी मजाक करती है बुआ। अरे मुए, तूने ही तो उसे सुल्फेबाजी की आदत डाली है। अरे कैसी बात ही कर रही है बुआ, अरे मैं तो सुल्फे को छूता तक नहीं बुआ। अरे ये देख बुआ। चल परे हट झूठा जमाने का, अरे अभी भी तेरे मुंह से झोल की बू आ रही है। तू भी कमाल करती है बुआ। अरे मैं क्या तुझसे झूठ बोलूंगा? हाँ अरे ये तो सुबह मैंने कब्ज की दवा पी थी, उसी की बू आ रही है। हाँ पुजारी जी से पूछना, रोज सुबह मंदिर जाता हूँ,
इतना बिगड़े नहीं हूं मैं बुआ। जितना तू समझ रही है, हमारे बाप ने हमें सिखाया है कि औरतों की इज्जत करना और बुजुर्गों की सेवा कर। अरे तू कितना गऊ है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और तूने अपने बीमार बाप की कितनी सेवा की है ये तो सारा गांव जानता है। अरे वो तो बेचारा हैजे में तड़प तड़प के मर गया, और तू अपने झोल की पीनिक में गांव की गंदी नालियों में पड़ा हुआ था। बाप के मरते ही उसका सारा रकबा तूने सुल्फे के धुएं में फूक के रख दिया। अरे यही तेरी शराफत है, सारा गांव जानता है तेरी शराफत को। बुआ तुझसे क्या छुपा है भला, हा? अब गलती किससे नहीं होती बुआ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है बंदे तू कर्म कर फल देना मेरा काम है। अब भाई बुआ मैंने तो कर्म किया, अब वो फल दे ना दे ये तो उसकी नियत का खोट है ना बुआ। अरे अकल के बैरी, तू यहाँ बैठ के गीता का बखान कर रहा है, अरे तुझे शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जा दवा हो जा, निकल जा मेरे घर। जा रहा हूँ बुआ जा रहा हूँ, और लौट के नहीं आऊंगा। ये क्या बुआ खांसी हो रही है तुझे, तुलसी को भेज देना तुम्हारे लिए शायद भिजवा दूंगा। अरे चल चल तू चल निकल जा। जा रहा हूँ बुआ जा रहा हूँ, दवा हो जा। हाँ लौट कर नहीं आऊंगा मैं। अब बता कैसा है तू? भाई मैं तो मजे में हूँ, मगर तुमने बंदूक नहीं लाया। बंदूक? यार मोहना वो बंदूक तो मेरी रियासत में रहेगी। अब देखना मेरे पास पहले से ही इतना सामान है। यार तू ये बातें छोड़। मुझे ये बता घर में सब लोग कैसे हैं? भाई घर में सब ठीक है। हाँ मगर मुझे एक बार बताना भूल ही गया कि बर्तू की गाय ने बछड़ा दिया। लेकिन तू तो कल आने वाला था। अब क्या करूं भाई, रियासत के काम ही ऐसे होते हैं। पूछ मत, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। अब महाराज ने कल खास लोगों की बैठक बुलाई थी, उसमें मेरा होना बहुत जरूरी था, इसीलिए भाई मैं कल आ नहीं सका। भाई तू मेरी बांसुरी लाया? ओफो यार वो तो मैं काम के चक्कर में भूल ही गया। चल भाई कोई बात नहीं, तू आ गया मेरे लिए ही काफी है। अच्छा अच्छा एक बात कहूँ भाई, तुझसे पहली बार अलग हूँ ना, यूँ लग रहा था कि सदियाँ बीत गई हैं। भाई तू यहाँ रह जा या मुझे अपने साथ ले जा। भाई मुझे तेरी बहुत याद आती है, तू मुझे अपने साथ ले चल। हाँ मोना मैं ले चलूंगा यार तुझे। तू घबरा मत, मैं तुझे जरूर अपने साथ रियासत में लेकर जाऊंगा, और फिर वहाँ तुझे। छोटे तीनों भाइयों के नाम लिखना अच्छी तरह। इतनी देर हो गई, पता नहीं लक्ष्मण अभी तक क्यों नहीं आया। गोमू थाली तैयार है ना पूजा की? जी बस। हाँ जैसे ही लक्ष्मण आएगा उसकी आरती उतारनी है। अरे तुम्हें सब कुछ याद है जब भूल गई? याद है माँ। माँ माँ लक्ष्मण भैया आ गए, मेरा भाई आ गया। अरे तू झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं? मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो कौन आ रहा है। अरे मेरा बेटा आ गया। मेरी प्यारी माँ। मेरा बेटा जीते रहो मेरे बेटे जीते। कैसी है माँ? मुने चल भाई का सामान अंदर ले जा। अरे लगता है तू तो जुग के बाद आया है घर वापस, आंखें थकी तेरा रास्ता देखते देखते। क्या करता मैं जी दे। कैसी है छोटी? ठीक है। ऐसा लगता है लक्ष्मण जैसे तू बरसों बाद घर आया है। अरे मेरी तो आंखें थक गई थी तेरा रास्ता देखते देखते। क्या करता माँ, रियासत के महाराज को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसीलिए रुकना। अरे वाह तेरे महाराज को क्या ये नहीं पता कि आज त्योहार है? अरे त्योहार के दिन सब लोगों को अपने घर में होना चाहिए। अब क्या करूं माँ, बड़ी जिम्मेदारी की नौकरी है मेरी। तभी तो थोड़े से दिनों में ही इतना दुबला हो गया है। अच्छा चल नहा धो के हाथ मुंह धो ले, है हुई माता की पूजा करनी है। दुर्गा जी दुर्गा जी। आजा आजा आजा। सलाम सलाम के बच्चे पांव पर। गले लग जा यार। कैसा है तू भाई? तुझे तो पता है कि मैं वो कुत्ते की दुम हूँ, जैसा था वैसा हूँ। तू अपनी सुना, तू कैसा है? बाकी बात फिर कर लेना, पहले चल के पूजा करनी है। माँ पूजा को छोड़, मुझे बात करने दे। भाई तू जब से घर छोड़ के गया है ना, हम सबको बिसरा के रख दिया है। अच्छा ये तेरी जो नौटंकी है ना,
इसको बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। दीवान साहब से मैं तेरी नौकरी की बात करने वाला हूँ, और ये जो तेरी सिल्फेबाजी की आदत है ना, इसको छोड़ दे, वरना तो जानता है मैं कैसा आदमी हूँ। अरे कुछ बात तेरी अकल में आई? अरे तेरा जीवन संवर जाएगा कमबख्त। मैं तू नौकरी की बात छोड़, मैं अपने धंधे के बारे में सोच रहा हूँ। भाई तू इधर आ। हाँ बोल। मुझे कुछ पैसे चाहिए, फिर देख हम रातों रात माला माल हो जाएंगे। क्या धंधा करना चाहता है तू? वो मैं और इल्मू सांझे में दारू की भट्टी लगाए। सत्यानाश हो तेरा। अरे तेरे मुंह में दारू के नाम के सिवाय कोई और नाम आता है? हाँ चलो ऊपर, पूजा करनी है, देर हो रही है। चल 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 जल्दी कर, देख मत चल। अरे तेरा तो राम रखा है। अल्लाह पूरी दे, जल्दी कर। तू भी ले। हाँ माँ, मेरी चुस्ती फुर्ती देखकर दीवान साहब पहले दिन से ही मेरे कायल हो गए। ऐसे कायल कि राज दरबार की सुरक्षा का सारा जिम्मा उन्होंने मुझे सौंप दिया। भाई मैं तो कल ही आने वाला था, पर महाराज मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। अरे वही माँ, निकम्मे सिपाहियों की मुअत्तली और नए सिपाहियों की नियुक्ति के बारे में। अच्छा सुन, मनाला से मोहन के लिए रिश्ता आया था, बड़े खाते पीते घर के हैं। अरे मुझे लगता है कि जरूर उन्हें तेरी नौकरी की खबर मिल गई होगी, अरे तभी तो दौड़े आए हैं। लेकिन बात क्या रही? बात क्या रही, सब कुछ भला ही लगा मुझे तो। कह रहे थे कि लड़के का रंग भी साफ है और तुम्हारी छोटी बहू की तरह खूबसूरत भी है। अरे मुस्कुरा ले मुस्कुरा ले, बड़ी दूर दूर तक चर्चे हैं तुम्हारे, मेरी नारेबू गद्दन। कुछ तो शर्म किया करो। अरे पंडित जी से तो मैंने पत्री भी मिलवा ली उसकी। पंडित जी कहते थे कि लड़की बहुत भाग्यवान है। कौन है भगवान माँ? लो सारी रामायण खत्म हो गई, और ये पूछ रहा है कि रावण की बहन कौन थी। भैया रावण की बहन कौन थी? पगले तेरी शादी की बात हो रही है, ये ले। ओए शरारती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतने दिन मेरी याद नहीं आई? याद तो तेरी बहुत आती थी मेरी लाडो, लेकिन क्या करूं, कमबख्ती है नौकरी। हाँ रहने दो, तुम सभी मर्द एक ही तरह के बहाने बनाते हो। मैं तुझे ऐसा मत लगा। और क्या? झूठी। झूठी? क्या छोड़ो ना। तुलसु, क्यों जगा दिया? क्या बात है? तुलसु मुझे प्यार कर, तुलसु मुझे अपनी आगोश में ले ले। दिमाग खराब हो गया तेरा? भांग की पत्ती तो नहीं चढ़ा कर आई? मजाक मत कर तुलसु। छोड़ मुझे, जा छोड़।
सोला। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, जगा दिया। ਬੇਲਾ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਰਾਹੂ ਹੋ ਦਿਖਾ ਦਾ ਸਹਿ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੋ ਨਾ ਪੰਚਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤਿਸ ਦਿਨ ਮੋਣਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾ ਹਲਾ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੰਚਮੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਅਗਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਨਾ ਮੋਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਉ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਚੱਲ ਬਸੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਸੀ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਅਭੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਝੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਈ ਨਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਆਸਤ ਮੇ ਛੁੱਟੀ ਕੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਿਜਵਾ ਦੋ ये ठीक रहेगा अच्छा मोना दी माँ तो फिर मैं चलता है पंडित जी ये इदी क्या जरूरत थी बच्चा पंडित जी ये दक्षिणा सदा सुखी रहो बच्चा अब मैं तुलसा को मनाला भेज के तारीख पक्की करवा लेती हूँ हाँ माँ पंचमी भी तो नजदीक आने वाली है हाँ पर इसकी नौकरी का माँ मेरी नौकरी की चिंता मत करो मोना के लिए तो मैं रियासत की नौकरी तक छोड़ सकता हूँ पर ये मेरा कृष्ण कन्हैया है कहाँ दिखाई नहीं दे रहा बजा रहा है बांसुरी मेरा मोहना आ जा रहा है भाई मुझे कल अपने साथ पूर्णिमा के मेले में लेके जाओगे ना हाँ जरूर लेकर जाऊंगा भाई मुझे अपने साथ रियासत लेके जाओगे ना मैंने कभी राजा का महल नहीं देखा हाँ क्यों नहीं ले जाऊंगा जरूर लेकर जाऊंगा एक दिन पूरी शान के साथ लेकर जाऊंगा मैं तुझे भरे दरबार को तेरी बांसुरी सुनाऊंगा और पूछूंगा भला है कोई ऐसा सुरीली बांसुरी बजाने वाला मेरे मोना जैसा भाई मैंने एक नई दिन शादी है सुनाओ हाँ सुना
जब चाहो जहाँ चाहे बुला लो। अच्छा मैं आ जाऊंगी। हाँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हुई हूँ। एक तुम ही तो हो जिसने मेरी भावनाओं को समझा है, जिसने मुझे समझा है। इतना चाहती हो मुझे? बहुत चाहती हूँ। बेलमू अब मुझे जाने दो, बहुत देर हो गई है। वहाँ किसी को पता चल गया मैं नहीं हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों इतना डरते हो तुम मुझसे? डरने की बात नहीं है इल्मू, तुम नहीं जानते आजकल माँ हर बात पे मुझ पे शक करने लगी है। अगर माँ से इतना डरते हो तो फिर मुझसे मिलने क्यों आए? वो बात नहीं है इल्मू, बहुत देर हो गई है, मुझे जाने दो। डरो मत, कोई नहीं मुझ पर विश्वास नहीं करती। भरोसा तो बहुत है, अगर कोई आ गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। छोटी कमीने, हमारे घर के इज्जत पर हाथ डाला तूने? छोड़ दे कौ कुत्ते। कमीने, आज से मेरे हाथ से पकड़ नहीं बचा सकता। अरे मुझ पर क्यों जोर आजमाता है कमीने? जाकर पूछ तुम तो की घरवाली से, जो जगह जगह जाकर मुंह मारती फिरती है। मुझे माफ कर दे लक्ष्मण, मुझे मत मार लक्ष्मण। तेरा काम मुआफी के काबिल नहीं है नो। नहीं लक्ष्मण, आज तुझे मुझसे कोई नहीं। नहीं लक्ष्मण, कोई नहीं। क्या कर दिया तुमने भाई? मोहना, 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 ये क्या हो गया मुझसे? मुझे मुझे जेल हो जाएगी मोहना। भाई फांसी लग जाऊंगा मैं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता मोहना। भाई तू भाग जा यहाँ से, तुझे किसी ने देखा। कौन है भाई? ये तो मंगलू है, ये गांव में जाके बता देगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि खून किसने किया है। हाँ मोना, उसने उसने तो खून करते मुझे नहीं देखा, लेकिन लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई नहीं बचा सकता मोना। सारा घर बर्बाद हो जाएगा मोना। भाई भाई मैं कुछ करूं? मोना मोना तू क्या कर सकता है? जब किसी को मालूम ही नहीं कि खून किसने किया है तो किसी को क्या मालूम कि खून लक्ष्मण ने किया है या मोहना ने? अगर ये इल्जाम मोहना अपने सर... नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा हूं? ये क्या सोच रहा हूं मैं? भाई बता, समय बहुत कम है, मैं कुछ करूं? वाकई समय तो बहुत कम है, अगर मुझे जेल हो गई तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा, और अगर मोहना ये इल्जाम अपने सर पर ले ले तो हो सकता है राजा इसे बच्चा समझकर माफ कर दे, या हो सकता है मैं इसे किसी तरह बचा लूं। भाई तू बोल, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं तेरे इस मुसीबत में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मोहना, मोहना, तू तू वाकई मेरे लिए कुछ करेगा? भाई मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मोहना, मोहना, इस आदमी ने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला था। मोहना, अगर अगर तू मेरी जगह होता ना तो तू भी वो सब नहीं देख सकता था। भाई जो होना था वो तो हो गया, अब मैं इस घड़ी में क्या करूंगा? मोहना,
मोना तू 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 ये इल्जाम अपने सर ले ले। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। थोड़े ही दिन की बात है, मैं अपने रसूख से तुझे जेल से छुड़ा लूंगा। अगर 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 मुझे जेल हो गई तो मुझे कोई नहीं बचा सकता मोना। भाई तू मुझे बचा तो लेगा ना? हाँ मोना, मैं तुझे बचा लूंगा। कैसा है रे तू? मैं तो एकदम अच्छा हूँ भाई। मोना कोई दिक्कत हो ना? मेरी बांसुरी मेरे साथ है तो फिर दिक्कत कैसी? मोना तू घबराना मत, फिकर मत कर। घर की कोई खबर? नहीं मोना, लेकिन घर में सब ठीक ही होगा। भाई तू मुझे बचा तो लेगा ना? महाराज कह रहे थे कि मैं अपना बयान बदल दूं। मोहना भाई तू फिकर मत कर, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, लेकिन अगर उन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया तो? नहीं 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 मोहना, नहीं नहीं मोहना, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा मोहना, तू बच जाएगा। मुझे मालूम है भाई कि तू मुझे बचा लेगा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, आखिर तो भाई है मेरा। मैं चलता हूँ मानो। मुझे तुझ पर विश्वास है भाई कि तुमने बचा ले जालेगा। मुझे तुझ पर विश्वास है भाई कि तुमने बचा ले जालेगा। मुझे तुझ पर विश्वास है भाई। अरे पंडित जी आप, प्रणाम। जींदे रहो बच्चा, बड़ी मुश्किलों नाल तेरा ठिकाना मिले। गांव से आ रहे हैं पंडित जी? हाँ। कैसे हैं सब गांव में? गांव दी ना ही पूछता ठीक है, पता नहीं क्या क्या दिखना बाकी है। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? छोटी ने दरिया में कूदकर। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, कल नाल वाले पिंड चो दी लाश मिली। और पंडित जी, तुलसू पंडित जी? तुलसू भी पागल हो गया, कदी हसदा ता हसदा रहंदा, कदी रोंदा ता रोन लगी पैंदा, और मां मां ता जियां जिंदा लाश हो गई हो। बच्ची गोमू उनी जियां तियां घर संभालिया है। हुण छोटी दा किरया करम करना तैनू चलना पैणा। पर पंडित जी, मैं कैसे जाऊं पंडित जी? किस मुंह से जाऊंगा गांव? अगर कोई मुझसे मोहना के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी तो जान अटकी हुई है पंडित जी। कल मोहना की आखिरी पेशी है पंडित जी। तू घबरा मत लक्ष्मण, ऊपर वाले ने जो करना है ठीक करना है। मेरा दिल बोलता है महाराज ने मोहना को माफ कर देना। पंडित जी, भगवान करे, भगवान करे आपका कहा हुआ सच हो जाए। पंडित जी, भाई पता नहीं इस बांसुरी को क्या हो गया, बजती नहीं। तू मुझे नई बांसुरी ला देगा ना? हाँ। भाई मैं पूछ रहा था कि
तो ये किस्सा खत्म हो जाएगा ना। तू रो मत भाई, मुझे पता है इस तरह मुझे सलाखों के पीछे देखकर तेरा मन फट पड़ता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई तू मुझे बचा तो लेगा ना। आशा करते हैं कि आज तुम सारी सच्चाई साफ साफ बयान कर दोगे। बोलो बालक, सच बोलो, राज दरबार में हमेशा सच ही बोलना चाहिए। सारी सच्चाई तो मैं पहले ही दिन बयान कर चुका हूँ महाराज, कि अपराधी मैं हूँ। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मालूम है? जी महाराज, इल्मू की हत्या मैंने ही की है। तुम्हारी मासूम सूरत देख कर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा जघन्य अपराध किया है। लगता है जरूर तुम्हें किसी ने अपहर गलाया। निडर होकर बोलो बालक, यदि तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। आप मुझे झूठ बोलने के लिए विवश कर रहे हैं महाराज। शायद तुम नहीं जानते कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या सजा दी जा सकती है। यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें सोनी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्षमा कीजिए मुझे महाराज, जो कुछ मैंने कहा वही सच है। अपराधी तो अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। आपका क्या मत है दीवान साहब? महाराज, हालांकि बालक ने जघन्य अपराध किया है, क्योंकि बच्चा अबोध बालक है, इसलिए इसको छोटी मोटी सजा देकर सजा मुक्त कर दिया जाए। बाकी अंतिम फैसला आपका है महाराज। बालक, अब हमारा अंतिम फैसला सुनो। कानून हमारे सिंहासन से कहीं ज्यादा ऊंचा है। हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए हमारी रियासत में केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। कल सूरज ढलने से एक घड़ी पहले इसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। और पूछूंगा भला है कोई ऐसा सुरीली बांसुरी बजाने वाला मेरे मोहना जैसा। लेकिन उसने तो हत्या की है। पर हुजूर, हुजूर वो तो उसे अनजाने में हो गई हुजूर। मेरा भाई ऐसा नहीं है हुजूर। हुजूर वो तो सबके दुख दर्द बांटने वाला छोटा सा बच्चा है हुजूर। लेकिन इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं हुजूर? हुजूर आप महाराज से सिफारिश करके उसकी सजा माफ करवा दीजिए हुजूर। जिंदगी भर आपके पैर धो धो कर पीऊंगा। देखो ये मामला हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। मैं क्या करूं हुजूर? मेरा निर्दोष भाई बाहर आ जाएगा हुजूर। उसके गम में मेरी बूढ़ी माँ भी दम तोड़ देगी। मेरा सारा घर तबाह हो जाएगा हुजूर। अच्छा एक काम करो। कहिए हुजूर, कहिए। देखो हाटू के दीवान हमारे पुराने दोस्त हैं, हम तुम्हें खत लिखकर देते हैं, तुम उनके पास चले जाओ। अगर तुम उनका दिल पिघला सकते हो तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि हाटू के महाराज अगर सिफारिश करेंगे तो तुम्हारे भाई को माफी तो नहीं पर सजा जरूर कम हो सकती है।
मैं तुम्हें खत लिख कर देता हूँ, तुम फौरन उनके पास चले जाओ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी हुजूर, बड़ी मेहरबानी। दीवान साहब, दीवान साहब, दीवान साहब। हाँ भाई, किसे मिलना है? मुझे दीवान साहब से मिलना था, ये खत उनके लिए था। अरे वो तो तीरथ पर गए हैं और कल शाम तक ही लौटेंगे। देखो भाई, मेरा दीवान साहब से मिलना बहुत जरूरी था। हमारे महाराज ने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है, हो सकता है उनकी सिफारिश से मेरे भाई की जान बच जाए। अरे कैसे भाई हो तुम, जो अपने भाई के लिए तुमको सिफारिश की जरूरत पड़ रही है। अपने महाराज के कदमों में झुक जाओ, उनको तुम पर जरूर दया आ जाएगी। हाँ तुम सच कह रहे हो, कोई राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी नहीं हो सकता। तुम सही कह रहे हो, ये खत। हाँ, ये मैं पहुँचा दूंगा, मुझे जल्दी पहुँचना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, मगर तूने मुझे झूठी तसल्ली क्यों दी? क्यों? जब तू जानता था कि तेरी हैसियत मुझे बचाने की नहीं थी, तब तू क्यों झूठ बोलता रहा? क्यों? खैर जो भी हो, मेरे दिल में आज भी तेरे लिए वैसा ही प्यार है जैसे पहले था। पर आने वाले वक्त के बारे में सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ कि अगर किसी को, अगर हम दोनों के बीच का किस्सा मालूम हो गया तो क्या कोई भाई अपने भाई पर विश्वास करेगा? बताओ, कोई करेगा? ये तुमने क्या कर डाला भाई, ये तुमने कैसा इतिहास रच डाला? मेरे भाई, मेरे गले लग जाता। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मौत के खौफ ने मुझे कायर बना दिया था, मेरी आत्मा को अंधा कर दिया था मोना। आज ये सब उसी अंधेपन का नतीजा है मेरे भाई। ये क्या दोपहर के वक्त? काम से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। अपने मोना के पास पहुंचना होगा। मोना मेरे भाई, ओम विश्वानि देवा सवित दूर्तानि परासुवा यन्न
भाष्म यद भद्रम तन्यास्व। बालक को नहलाइए। जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मोहना, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, राज्य के नियमों के अनुसार उसे पूरा किया जाएगा। अंतिम इच्छा? हाँ, अगर तुम अपने किसी सगे संबंधी से मिलना चाहते हो या किसी के नाम संदेश छोड़ना चाहते हो तो बताओ। मेरा लक्ष्मण भाई मेरा सब कुछ है, आप मेरे भाई को बुला दीजिए। पता नहीं वो कहाँ चला गया, कल से मिला ही नहीं। तुम्हारा भाई तो कल से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। तो फिर आप मुझे मेरी बांसुरी बजाने की इजाजत दे दीजिए, मेरा भाई उसकी आवाज सुनकर खींचा चला आएगा। तुम्हें इसकी इजाजत है। सिपाही, इसे ले जाओ और इसकी बांसुरी से बजाने के लिए दे। चलो मोना, समय हो गया। मोहना, लाओ बेटा ये बांसुरी हमें दे दो। दीवान जी, ये बांसुरी मेरे भाई को दे देना और उससे कहना कि वो मेरे मरने पर रोए ना, मैं इस बांसुरी में ही तो बसता हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चक्रेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः।